हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आइए आज आपके लिए हम एक प्यारा सा वीडियो लेकर आए हैं। प्यारा सा वीडियो क्या है बच्चों, आज हम लोग जानेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यानी किसी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, कैसे उसे हम निकालते हैं, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक वेक्टर ए है और यह वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बनाता है। वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बनाता है। इस वेक्टर ए का हमें कंपोनेंट निकालना है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। तो देखो, मान लो कि यहां से इसको मिला देते हैं, इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए। यह पॉइंट ओ है, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो यहां पे एक ट्रेंगल बन रहा है, इन ट्रेंगल ओ ए बी में। देखो यह ट्रेंगल है ओ ए बी, इसमें अगर हम कॉस थीटा निकाल दें तो क्या आएगा बच्चों, यह पी होगा और यह बी। यहां पे ओ से बी, अब बट्टे में ओ से ए होगा, ओ से ए। ओ से बी का वैल्यू निकालिएगा तो आएगा ओ से ए कॉस थीटा। ओ से ए क्या है, यहां से यहां तक का वैल्यू है। और किसी वेक्टर के लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो यहां से यहां तक का वैल्यू क्या होगा, ए होगा। तो यानी सकते हैं ए कॉस थीटा या ओ से बी का वैल्यू आएगा। ओ से बी कहां से कहां तक है बच्चों, यहां से यहां तक, या ओ से बी है और इसका वैल्यू आ रहा है ए कॉस थीटा। देखो एक्चुअल में ये पूरा है क्या, यहां से यहां तक वेक्टर ए का एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट है। तो इस पूरे को बोलते हैं ओ से ए को कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस पर वेक्टर ए का कंपोनेंट कहते हैं। अब हम ऐसे इसको बार बार लिखेंगे नहीं, इसको एक नया नाम दे दिया जाता है ऐसे, इसको ए एक्स बोल देते हैं। और ए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा और यही कहलाएगा बच्चों कंपोनेंट। अगर हम वेक्टर ए का वाई एक्सिस पे कंपोनेंट निकालें तो कितना आएगा, लिखेंगे नाउ इन ट्रेंगल ओ ए बी। इसी ट्रेंगल में देखो, इसमें ओ ए बी में अगर हम साइन थीटा ले लें, साइन थीटा, तो कितना आएगा, यह पी होगा और यह एच होगा, यानी ए से बी आएगा, ए से बी। तो ए बी अब बट्टे कितना हो जाएगा, ओ से ए का वैल्यू ए है तो यहां लिखेंगे एक बार लिख दो, ओ से ए, यहां पे आ जाएगा बच्चों यह साइन थीटा इक्वल टू ए से बी, ऐसे रहने तो ए से बी। अब बट्टे ओ से ए को क्या बोलते हैं बच्चों, ए कहते हैं। इस ए को उधर लाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए साइन थीटा। अब यह ए से बी है क्या, यहां से यहां तक का वैल्यू है और इसको मिला दें तो ए से बी यहां से यहां तक का वैल्यू होगा ना बच्चों, ए वाला ए वैल्यू। अगर इसका कुछ नाम दे दे ए बी सी, इसको हम सी कह दें ऐसे, तो ओ से सी ए बी के बराबर होगा या ओ से सी के बराबर होगा। हम कह सकते हैं ओ से सी इक्वल टू ए साइन थीटा और ओ सी को कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, इस ओ से सी को यहां से यहां तक का वैल्यू को वेक्टर ए का वाई एक्सिस पर कंपोनेंट कहेंगे।
और इसको डिनोट करते हैं बच्चों ऐसे, ए यहां पे वाई लिख देते हैं, तो ए वाई इक्वल टू हो जाएगा ए साइन थीटा, ये चलाएगा कंपोनेंट। इतना क्लियर है? तो यह दोनों क्या कहलाता है बच्चों, यह एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कहलाता है और यह वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कहलाता है। आप सबने पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा है तो याद रखिए बच्चों, देखिए यह एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस और यह जेड एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग मतलब वाई एक्सिस के अलोंग इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आई कैप। वाई एक्सिस में जो वेक्टर होता है उसे जे कैप कहते हैं और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? के कैप कहते हैं। तो याद रख लेना है, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, मतलब कि वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर, और जेड का मतलब सॉरी के कैप का मतलब जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर। इतना तो क्लियर है सबको? अगर हम इस वेक्टर को यहां से यहां तक को वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जरा देखो। लिखेंगे नाउ इस ए एक्स को हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, एक ना बच्चों ए एक्स है या ए एक्स था, इस ए एक्स को वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसी के डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, यह मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या है यहां पे? आई कैप। यहां पे डायरेक्शन क्या है बच्चों? जे कैप। तो हम वेक्टर ए एक्स को लिख सकते हैं ऐसे, ए एक्स आई कैप, जो भी यहां पे मैग्नीट्यूड होगा उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम यहां पे ए वाई लिखना चाहें ऐसे तो लिखेंगे यहां पे ए वाई और यहां पे जे कैप। अब यहां देखो इसके अलोंग जो डायरेक्शन बना मतलब वेक्टर बना उसका वैल्यू आ गया ए एक्स ऐसे, या आया ए एक्स आई कैप। इसके अलोंग जो वेक्टर बना ए वाई इसको बोले ए वाई और यहां पे जे कैप। अब इस पॉइंट पर दो वेक्टर हो गया, एक ऐसे और एक ऐसे। यहां पर हम दिखा देते हैं आपको, यह क्या है ए एक्स है और यह क्या है बच्चों? ए वाई है। और ऐसे था अपना वेक्टर ए और यहां से एंगल बन रहा था थीटा। अगर इस वेक्टर को हम निकालें तो इस दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। यह वेक्टर और यह वेक्टर दोनों एड होगा तो क्या मिलेगा हमको? ए वेक्टर मिलेगा, क्योंकि यह क्या है? इसका रिजल्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं नाउ वेक्टर ए इक्वल टू यहां से ए एक्स आई प्लस ए वाई जे हो जाएगा और इसको बोलते हैं बच्चों कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यहां पर लिखिएगा रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो अब से याद रखना कि जब भी आई लिखा हो जे लिखा हो तो वह क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएगा। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि यहां पे हम एक वेक्टर लिख रहे हैं ए आई इक्वल टू यहां पे टू आई प्लस फोर जे लिख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यह वेक्टर का रेक्टेंगुलर फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है। और यहां पे जो वैल्यू आता है ना i में जितना से मल्टीप्लाई रहता है उसको बोलते हैं x एक्सिस में कंपोनेंट, j में जितना से मल्टीप्लाई होगा उसे क्या कहेंगे? y एक्सिस में कंपोनेंट कहेंगे। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा।
आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चों, आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यह एक्स एक्सिस और यह वाई एक्सिस, यहां पे एक वेक्टर है ए और यहां से एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है बच्चों यहां पे 20 दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि फाइंड द एक में कहा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस पे आपको क्या निकालना है, कंपोनेंट निकालना है। सेकेंड में पूछा गया है रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रेक्टेंगुलर फॉर्म लिखें। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। देखो बच्चों, इसमें क्या क्या आपको दिया हुआ है, वेक्टर ए का मोड आपको दिया हुआ है। अगर हम इस पे कंपोनेंट निकालेंगे यहां से यहां तक, तो उसको ए एक्स बोलते हैं, तो लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इसको बोल देते हैं बच्चों ए एक्स, और इसका फॉर्मूला क्या हो रहा था, ए कॉस थीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट कर दो यहां से, तो ए एक्स इक्वल टू चलाएगा, ए का वैल्यू 20 तो 20 और कॉस यहां से बच्चों 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री यहां पे रख देंगे, रखेंगे तो वैल्यू आएगा ए एक्स इक्वल टू, यहां देखो 20 है तो 20 लिखिएगा, 20 इंटू कॉस 30 के मान सबको याद है कितना होता है, रूट 3 और बट्टे कितना 2, एक कट जाएगा इससे, यहाँ पे 10 चलाएगा, इस तरह से ए एक्स इक्वल टू चलाएगा 10 और रूट 3, यह हो जाएगा वेक्टर ए का एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट। फिर लिखेंगे बच्चों नाउ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इसे बोलते हैं बच्चों ए वाई, और ए वाई का वैल्यू कितना होता है, ए साइन थीटा। तो यहां से देखो ए का मान कितना है, रख दो 20 इंटू साइन और यहाँ पे 30, साइन 30 का मान आप सभी को याद है 1/2, तो यहाँ पे 20 इंटू 1/2 ये कट जाएगा तो 10 आएगा, यहाँ से ए वाई इक्वल टू चलाएगा 10, तो यह हो गया वाई एक्सिस पर कंपोनेंट। तो फर्स्ट का हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब देखो सेकेंड में क्या कर रहा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर, वेक्टर का हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म चाहिए, किस वेक्टर का, इस वाला वेक्टर का जो ए वेक्टर है ना इसका, देखो यह वैल्यू हमको मालूम है, इस डायरेक्शन में वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, ऐसा लिखेंगे ए एक्स आई इसके ऊपर वेक्टर, और क्या लिखते हैं बच्चों ए एक्स आई यहां पे आई कैप लिखते हैं ना, इधर का जो वेक्टर होता है उसे बोलते हैं ए वाई, और यह होता है ए वाई जे कैप, और यह क्या होता है बच्चों ए वेक्टर होता है। अब इस ए का वैल्यू कितना आएगा, लिखेंगे नाउ रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर, इसको हम ए कह दिए इक्वल टू, इस दोनों को ऐड करते हैं यानी ए एक्स प्लस ए वाई, ए एक्स का वैल्यू कितना है, ए एक्स आई कैप, यहां लिखेंगे बच्चों ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब देख लो ए एक्स का वैल्यू कितना आया था, आया था यहां पे 10 रूट 3, यहां लिख देंगे
टेन अरूट थ्री आई कैप प्लस ए वाई का वैल्यू टेन, यहाँ पे क्या हो जाएगा जे कैप, यह हो जाएगा इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म वेक्टर का। तो इतना क्लियर है सबको? तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और हमें उम्मीद है बच्चों कि इतना आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो चलिए पढ़ते रहिए। और हाँ बच्चों, अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए।